वालेकुम सलाम। हर किस्म की इज्जत खुदा के सुपुर्द है, खुदा की है, और दुनियावी इज्जत जो मज़हब के ख़िलाफ़ हो वो खुदा की इज्जत नहीं कहला सकती। दुनिया की इज्जत जिसमें रूहानियत ना हो, मज़हब का हिस्सा ना हो, उसको अल्लाह की इज्जत कैसे कह सकते हैं? तो जब जमिया का लफ्ज़ आता है उससे मुराद ये है अल-इज्जत, यानी हकीकी इज्जत। अल का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है किसी लफ्ज़ के साथ तो उसका मतलब ये भी हो जाता है कि सच्ची हम सच्ची इज्जत, हकीकी इज्जत, या जो भी लफ्ज़ हो आगे, अल्हम्दुलिल्लाह है, इसका एक मतलब ये है कि सच्ची और ख़ालिस हम सिर्फ़ अल्लाह ही की है। तो इसरा इन अल-इज्जा जो है उसका भी यही मतलब बनेगा कि सच्ची इज्जत खुदा की है, बाकी दुनिया की इज्जतें तो सच्ची इज्जतें नहीं हुआ करती। समझ गई हैं? समझ गई हैं बात कि नहीं? अभी तक लगता ठीक है। वालेकुम सलाम।